आज का जो विषय है वो परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से मेरे मन में डाला है, और मैं विश्वास करता हूं कि अगर ये वचन आप ध्यान से सुनेंगे, अपने मन लगाकर अगर आप इन वचनों को सुनेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी सोच बदलेगी, आपके विचार बदलेंगे, मसीहत जीवन कैसे जीना चाहिए आपको पता लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब तैयार हैं। परमेश्वर ने अपने अभिषेक से हमें चुना, हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी इच्छा से हमें चुना और अपना बना लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि हमें उस परमेश्वर को जानना है, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने जीवन को कैसे देखें? परमेश्वर चाहता है कि, बाइबल कहती है, वचन कहता है कि परमेश्वर की दृष्टि से जब हम अपने जीवन को देखेंगे तब हमारे जीवन का मूल्य हम आंक सकते हैं। परमेश्वर की दृष्टि से जब हम अपने को देखेंगे तब हम पता लगाएंगे, हमको पता लगेगा कि हमारा स्तर कहां है, हम किस लेवल पे हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाइबल कहती है, वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर की दृष्टि से अपनी चिंताओं को देखते हैं तो वो चिंताएं हमारे लिए कुछ भी महत्व नहीं रखती हैं। हालेलुया। तो आज का जो विषय है मेरा वो ये है कि अपनी चिंताओं को परमेश्वर की दृष्टि से देखो। हालेलुया। चाहे आपके जीवन में कितनी बड़ी चिंता क्यों ना हो, चाहे आपका जीवन कैसे भी कष्टों से गुजर रहा हो, चाहे कोई भी मुसीबत आपके साथ क्यों ना हो, चाहे कोई भी बीमारी आपके साथ क्यों ना हो, लेकिन मैं आपको उत्साहित करता हूं मेरी बहन कि जब आप उस बीमारी को, उस मुसीबत को, उस पीड़ा को, उस दर्द को, उस चिंता को जब परमेश्वर की दृष्टि से देखेंगी तब आपकी बीमारी, आपकी चिंता आपको बहुत ही छोटी लगेगी, आपके लिए उसका कोई महत्व नहीं। आज आपको लग रही है आपकी बीमारी चट्टान की तरह, आज आपको लगता कि मेरी बीमारी सबसे बड़ी है, मेरा जीवन में क्या होगा, मेरे जीवन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, मेरी मुसीबत का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, आज आपको लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन बाइबल कहती है जिस दिन आपने अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि से देखना शुरू किया, जिस दिन आपने अपने आप को, अपनी चिंताओं को परमेश्वर की दृष्टि से देखना शुरू किया, आपका जीवन बदल जाएगा। आपकी चिंताएं आपका, आपके लिए परेशानी बनेंगी, आपकी चिंताएं आपको दुख नहीं देंगी, आपकी चिंताएं बेचैन नहीं करेंगी आपको, फिर आपकी चिंताओं की वजह से आप पीछे नहीं जाएंगे, पाप में नहीं जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर की दृष्टि से अपनी चिंताओं को देखेंगे तब आप अपनी चिंताओं को चुनौती देंगे। ऐ चिंता, तेरा कोई वजूद नहीं है, ऐ चिंता तू कुछ महत्व नहीं रखती मेरे लिए, तेरा कोई भी वजूद नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं परमेश्वर की दृष्टि से तुझे देखता हूं और तू मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ खड़ा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। इसलिए जब आप परमेश्वर की दृष्टि से अपने जीवन को देखेंगे आप पाएंगे कि परमेश्वर आपको कितना प्रेम करता है। जब आप परमेश्वर की दृष्टि से अपनी चिंताओं को देखेंगे तो आप पाएंगे कि परमेश्वर ने आपके लिए पहले से ही योजना बना रखी है। जब आप परमेश्वर की दृष्टि से अपने दर्द को, अपनी मुसीबत को देखेंगे तब आप पाएंगे कि परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से आपके लिए योजना बनाई है ताकि वो आपको सुख दे सके, ताकि आपको वो जीवन दे सके, ताकि वो आपके साथ चल सके। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि संकट के समय मैं तेरे साथ रहूंगा, तू अगर विश्वास करेगा तो संकट के समय मैं तेरे साथ रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम आज का वचन पढ़ते हैं, लूका 22 29 और 30 और 31, ये तीन वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, उसके बाद हमारी बहन पढ़ेंगी। लूका 22 29 30 31, जैसे मेरे पिता ने मुझे एक राज्य दिया है वैसे ही मैं भी तुम्हें देता हूं कि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ और पियो तथा न्याय आसन पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। 31वां, शामोन, हे शामोन देख, शैतान ने तुम लोगों को गेहूं के समान पटकने के लिए आज्ञा मांग ली है, परंतु मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास चला ना जाए, अतः जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ यीशु क्या बता रहा है शमौन को?
या यीशु मसीह क्या बता रहा है चेलों को कि मैंने तुम लोगों के लिए वो राज मुकर्रर किया है, मैंने तुम लोगों के लिए वो काम मुकर्रर किया है, मैंने तुम लोगों के लिए सिंहासन मुकर्रर किया है जिस सिंहासन पर बैठकर तुम इज़राइल के गोत्रों का न्याय करोगे। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर उसने क्या बताया कि तुम कौन हो, तुम्हारी कीमत क्या है, तुम कौन हो, मैंने तुम्हें किस लिए चुना है। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हें इज़राइल के गोत्रों का न्याय करना है, तुम्हें न्यायाधीश के कुर्सी पर परमेश्वर ने बिठाया है। हम यहां पर जानते हैं, यहां पर यीशु मसीह पतरस को बता रहा है कि तू कौन है, तेरी कीमत क्या है, तेरा अस्तित्व क्या है, तू मेरे साथ है तो कौन है तू। प्रेज द लॉर्ड। तेरे अंदर मैं हूं तो कौन है तू। हालेलुया। लेकिन उसके बाद यीशु मसीह ने क्या कहा, शमौन, हे शमौन, तू कहां खो गया है, मेरी बात सुन। अब यहां पर परीक्षा की बात आती है, कहता है कि शैतान ने तुझे गेहूं की तरह पटकने के लिए मांग लिया है। शैतान ने तुम लोगों को गेहूं के समान पटकने के लिए आज्ञा मांग ली है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जब हमारे जीवन में परीक्षा का शब्द आता है ना, तो हम घबरा जाते हैं। जब हमारे जीवन में हमें तोलने का, हमें नापने का वक्त आता है ना, तो हम घबरा जाते हैं। हालेलुया। आपने कोई गुनाह नहीं किया है, लेकिन कहीं अगर आपको अदालत में जाना पड़ता है गवाही देने के लिए, भी आपका मन ऐसे ऐसे कांपता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड कि मैं अदालत जा रहा हूं। हेलो। इसलिए परमेश्वर कहता है, यीशु यहां बता रहा है कि शमौन, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शैतान ने तुम लोगों को गेहूं के समान पटकने के लिए मांग लिया, लेकिन मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है ताकि तू आजमाइश में ना जाए, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तू स्थिर रहे। लेकिन प्रार्थना के साथ साथ उसने क्या किया है कि तू स्थिर रहे, लेकिन वहां पर उसने काम दिया है कि मैंने प्रार्थना की है तू स्थिर रहे ताकि तू अपने दोस्तों को भी स्थिर कर। हालेलुया। ध्यान दीजिए, यहां परमेश्वर ने सिर्फ उसके लिए प्रार्थना नहीं की वो परीक्षा से बच जाए, तबकि प्रार्थना की है, उसे काम दिया ताकि वो स्थिरता रखे और अपने दोस्तों को भी मन फिराने के लिए उनकी सहायता करे। हालेलुया। लेकिन यहां पर क्या होता है, शमौन पतरस उस परीक्षा को सुनकर, उस शैतान की बात को सुनकर बेफर गया, परेशान हो गया। वो अगले वचन में कहता है, यीशु मैं तेरे साथ जेल जाने के लिए तैयार हूं, मरने के लिए तैयार हूं। अरे यीशु ने कहा, कहीं कहा है कि तुझे मेरे संग जेल जाना पड़ेगा, तुझे मेरे संग मरना पड़ेगा, कहीं कहा है। हालेलुया। पतरस ये भूल गया कि यीशु मसीह ने मुझे वो सिंहासन दिया है। पतरस ये भूल गया कि यीशु मसीह ने वो मुझे अधिकार दिया है, जिस अधिकार को पाकर मैं इज़राइल के गोत्रों का न्याय करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने मुझे वो आशीष दिया है कि मैं उसकी मेज पर खाऊंगा और पीऊंगा। हालेलुया। लेकिन वो जो परीक्षा थी, वो जो वचन था कि शैतान ने तुम्हें गेहूं की तरह पटकने के लिए मांग लिया है, इस परीक्षा के शब्द ने, इस परीक्षा के वचन ने उसको हिला दिया और वो भूल गया कि वो कौन है। हमारे जीवन में अक्सर यही होता है। परमेश्वर ने हमें अनंत काल का जीवन दिया है, परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, परमेश्वर ने हमें चुना और अपना बनाया है, उसने हमें लिए प्रोमिसेस दी हैं, प्रतिज्ञाएं की हैं, उसने शपथ खाई है कि तुम निश्चय ही तुझे आशीष मिलेगी, निश्चय ही मैं तुझे बढ़ाऊंगा, उसने शपथ खाई है। लेकिन जैसे ही चिंता, जैसे ही मुसीबत, जैसे ही परीक्षा हमारे जीवन में आती है, हम भटक जाते हैं, हम उस आशीष को भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने हमें दी हुई है। हालेलुया। हम भूल जाते हैं कि हम हैं कौन। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में परमेश्वर का अद्भुत आशीष है, परमेश्वर ने हमें अद्भुत तरीके से सुख दिया है, प्रोमिसेस दिया है, अनंत काल का जीवन दिया है, उसने हमें अपना पुत्र बनाया है। हालेलुया। अगर हम इस चीज को याद रखेंगे कि यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमें अपना पुत्र बनाया है, तो क्या कोई बीमारी, क्या कोई चिंता, क्या कोई प्रॉब्लम हमारा रास्ता रोक सकती है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, इसीलिए जब हम अपनी चिंताओं को देखते हैं तो हम परमेश्वर की दृष्टि से देखें,
कि हम परमेश्वर की दृष्टि में कौन हैं, हम परमेश्वर की दृष्टि से अपने आप को देखें कि हम कौन हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप परमेश्वर की दृष्टि में कौन है? एक अमीर आदमी का बेटा, अरबों खरबों रुपए का, मान लीजिए ये अपना रिलायंस मुकेश अंबानी का बेटा, उसके पास मान लीजिए 2 करोड़ रुपए है, या अपनी जेब में 50 लाख रुपए लेके जा रहा है वो, और किसी जेब कतरे ने उसकी जेब काट ली, 50 लाख रुपए चला गया, प्रेज द लॉर्ड, तो वो बिलखेगा, रोएगा, क्योंकि उसको पता है मेरे पिता के पास अरबों रुपया है, ये 50 लाख ही मेरी जिंदगी नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर उसको एहसास नहीं होगा तो 50 लाख के लिए रोएगा, अरे क्या करूं, मेरा जीवन खत्म हो गया, 50 लाख रुपए अगर नहीं है तो मेरा क्या होगा। लेकिन अगर उसे एहसास है कि मेरा जो पिता है वो अब्जूपति है, प्रेज द लॉर्ड, 50 लाख रुपए तो वो अपने नौकरों को देता है, हालेलुया। जिस दिन उसको एहसास होगा उस दिन उसके लिए वो चिंता, वो जो परीक्षा है वो चिंता नहीं बनेगी, हालेलुया। इसी तरीके से हमारे जीवन में अगर चिंता आती है, कहीं संकट आता है, कहीं शैतान हमारे जीवन में काम करता है, और हम अगर ये याद नहीं रखेंगे कि हम हैं कौन, हम हैं कौन, जैसे हम भूल जाएंगे हम शैतान के शिकंजे में आ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, कौन काम करेगा हमारे जीवन में? शैतान काम करेगा, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा है, उसे पतरस को यीशु मसीह ने एक प्रमुख सेवक बनाया। इसी का 26वां पढ़ेंगे, अगर 22 का 26वां, तो आपको पता चलेगा कि यीशु क्या चाहता है, कि उसका जो सेवक हो वो कौन हो, जो बड़ा बनना चाहता है वो छोटा बने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 22 का 26 पढ़िए बेटा। परंतु तुम ऐसे ना होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान, और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। जो प्रधान है वह सेवक की नाई काम करे। प्रेज द लॉर्ड, इसीलिए पतरस को यीशु मसीह ने सेवा का मौका दिया। जब तू फिरे, जब तू स्थिर हो जाए, तो अपने चेलों की सुधि ले, अपने साथियों की सुधि लेना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज क्या काम है हमारा? परमेश्वर क्या कहता है? हम परमेश्वर को जानते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति को पहचानते हैं, हालेलुया। हम परमेश्वर के सामर्थ्य को जानते हैं। वो क्या चाहता है हमसे? वो हमसे ये चाहता है कि तुम स्थिर रहो, ताकि तुम अपने परिवार के सदस्यों को स्थिर कर सको। अगर तुम्हारे परिवार का सदस्य उस चिंता में, उस बीमारी में, उस परिस्थिति में, उस मुसीबत में अगर विचलित होता है, तो तुम उसको बताओ कि यीशु कौन है। हालेलुया, यीशु तुम्हें कैसे आशीष देगा, यीशु मसीह कैसे तुम्हें इस चिंता से, इस मुसीबत से निकालेगा। लेकिन होता क्या है कि चिंता आती है, मुसीबत आती है, हम खुद ही उस चिंता में डूब जाते हैं, हम खुद ही उस चिंता में बह जाते हैं, घबरा जाते हैं कि हमारा जिंदगी का क्या होगा। हम मसीह हैं, हालेलुया। जैसे पतरस बह गया, जैसे पतरस परेशान हो गया, बाइबल कहती है कि गतसमनी के समय जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना करते समय 2 बार उन्होंने कहा, प्रार्थना करो नहीं तो तुम परीक्षा में पड़ जाओगे। क्या करो? प्रार्थना करो। बोलिए, प्रार्थना करो, नहीं तो मैं परीक्षा में पड़ जाऊंगा। प्रार्थना करो, नहीं तो मैं परीक्षा में पड़ जाऊंगा। यीशु मसीह ने 2 बार अपने चेलों को कहा, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, अपने पिता से मांग रहे थे कि ये प्याला अगर तेरी इच्छा है तो हटा दे, लेकिन तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, मेरी इच्छा पूरी ना हो। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन चेले क्या कर रहे थे? सो रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। चेले क्या कर रहे थे? सो रहे थे। लूका 22 का 45 पढ़िए। और कैसे सो रहे थे वो, ध्यान दीजिए, चेले सो रहे थे, लेकिन किस स्थिति में सो रहे थे, देखिए। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया। उदासी के मारे सोता हुआ पाया। किस चीज की उदासी थी उनकी? उनके पास कौन सी उदासी थी? कौन सा शोक था? अगर यीशु मसीह के जाने का शोक था तो वो सामने रहते, सोते नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कौन सा शोक था, किस चीज की उदासी थी? कि शैतान ने उनको गेहूं की तरह पटकने के लिए मांग लिया है। वो आने वाली परीक्षा के लिए उदास थे,
कि परीक्षा जो आने वाली है, हालेलुया, उसके लिए उदास थे, उदासी से सो रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपका पड़ोसी कोई बोले कि मेरी बहन आज मैं बहुत उदास हूँ, आज मैं बहुत व्याकुल हूँ, आज मेरा मन बहुत ही अधीर है, प्लीज़ मेरे संग आइए, थोड़ा सा एक घंटे जागिए, तो क्या आप नहीं जागेंगे? प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यीशु मसीह के चेले, यीशु मसीह कहता मेरा मन व्याकुल है, मेरा मन अधीर हो रहा है, मेरे चेलों, मेरे बच्चों, मेरे साथ जागो, जागो और प्रार्थना करो। लेकिन सबके साथ सो रहे हैं और उदासी से सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो परीक्षा का भय है उनके जीवन को शोकित कर रहा है। हालेलुया। वो परीक्षा का भय उनको शोकित कर रहा हूं। और वो परीक्षा का भय सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं हुआ, ऊपरी कोठरी तक वो भय था उनके अंदर, ऊपरी कोठरी तक वो भय था। कभी कभी परीक्षा का भय हमें इस कदर से हो जाता है कि हम भूल जाते हैं कि हम किसको जानते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम यीशु मसीह के बच्चे हैं। कभी कभी हमारी मुसीबत इस तरीके से हमारे दिलो दिमाग पर हावी हो जाती है कि हम भूल जाते हैं कि हमारे संग परमेश्वर है। कुछ भी हो सकता है लेकिन परमेश्वर मुझे किसी भी रास्ते से निकालेगा। हम भूल जाते हैं और हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है, और वो जो परीक्षा है, वो जो मुसीबत है, जो आने वाला दुख है, वो हमारे जीवन पर हावी हो जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्यों बताया पतरस को कि तेरे ऊपर वो दुख आने वाला है? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यही तो समझने वाली बात है, हमें उस दुख से, दुख में स्थिर रखना है। क्यों? क्योंकि उस दुख से निकालने वाला यीशु मेरे साथ है। उस दुख से निकालने वाला यीशु मेरे साथ है। इसलिए जब उसने बताया कि परीक्षा आने वाली है और मैंने तेरे लिए प्रार्थना की, हालेलुया, मेरे लिए इतना ही काफी है कि मेरे लिए यीशु प्रार्थना कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों प्रॉब्लम में आया पतरस? क्योंकि उसने सोचा नहीं, क्योंकि उसने परमेश्वर की दृष्टि से नहीं देखा। उसने सोचा नहीं कि यीशु क्या कह रहा है, यीशु क्या कह रहा है कि मेरे जीवन में परीक्षा आने वाली है, शैतान ने मुझको गेहूं की तरह मांग लिया है, यीशु ये कह रहा है। अलर्ट। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसको समझिए आप, यीशु मसीह आपके जीवन में परीक्षा, यीशु मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं कमजोर हूं। यीशु मसीह मुझे प्रार्थना के लिए बोल रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं मैं कमजोर हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना हमें अपने बारे में बताती है। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रभु कहता है कि तुम अपने बारे में जांचो, अपने बारे में, क्योंकि कहता है याकूब 1:12। प्रेज द लॉर्ड। अगर पतरस यीशु मसीह की दृष्टि से अगर देखता तो उसको चिंता नहीं होती। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि यीशु ने उससे पहले एक वचन में क्या कहा कि मैंने तेरे अपने राज्य में तुझे जगह दी है, तू सिंहासन पर बैठकर मेरी मेज पे खाए पिएगा और इज़राइल के गोत्रों का तू न्याय करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं इज़राइल के गोत्रों का न्याय करने वाला हूं, ये शैतान मेरा क्या बिगाड़ेगा? मैं इज़राइल के गोत्रों का न्याय करने वाला हूं, ये परीक्षा मेरा क्या बिगाड़ेगी? मैं इज़राइल के गोत्रों का न्याय करने वाला हूं, अरे ये नौकरी मेरा क्या बिगाड़ेगी? प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, हालेलुया। अगर आपने परमेश्वर की, अगर आप अपनी चिंताओं को परमेश्वर की दृष्टि से देखेंगे मेरी बहन, तब आप समझेंगे, तब आपकी आपकी जो चिंताएं हैं, देखिए कभी कभी हम छोटे छोटे पाप करते हैं और उस पाप में बड़ा आनंद, आप महसूस नहीं करते कि वो पाप आपने किया है, आप उस पाप में रहना चाहते हैं। वो पाप आपको बहुत, आलस का पाप, क्या आपके अंदर आलस आता है प्रार्थना करने का? आपको अंदर आलस है, नींद से नहीं उठ पा रहे हैं आप, आपके अंदर आलस का पाप है। प्रेज द लॉर्ड। अब आप वो निकल नहीं रहा है, जब भी प्रार्थना करते हैं नींद आती है, जब भी बाइबल पढ़ने लगते हैं नींद आती है, जब भी हम सुसमाचार के लिए अपने मन को लगते हैं नींद आती है,
प्रेज द लॉर्ड। तो ये क्या हुआ? आलस। आलस का भी एक दुष्टात्मा होती है जो आपके अंदर आलस लेकर आ रहा है। लेकिन क्या होता है, हम कभी कभी उस आलस के पाप को रहने देते हैं कि कोई बात नहीं, अभी क्या करूं, नहीं उठ पा रही हूं तो क्या करूं, क्या करूं, नहीं जा पा रही हूं क्या करूं, सुबह नहीं उठा जा रहा है क्या करूं। प्रेज द लॉर्ड। आप ये कोशिश नहीं करते, आपके लिए वो पाप बहुत छोटा है कि आलस ही तो है। सुबह 4 बजे नहीं उठी, 6 बजे उठ गई, आज बाइबल नहीं पढ़ी, कल बाइबल पढ़ ली, सुसमाचार इस साल नहीं सुनाया, अगले साल सुनाया। प्रेज द लॉर्ड। आपके लिए जो आलस है वो आपका एक प्यारी चीज बन गई है। नहीं, बड़ा अच्छा लगता, सुबह सुबह की नींद बड़ी अच्छी लगती है, सुबह परमेश्वर से ज्यादा आपको नींद प्यारी है, सुबह सुबह की नींद आपको परमेश्वर से ज्यादा प्यारी है। हालेलुया। तो जो आलस का पाप है वो आपको अच्छा लगने लगता है, तो आपके लिए वो जो पाप है वो बहुत छोटा है, उसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो वो पाप बहुत बड़ा है, क्योंकि वो आलस आपके और परमेश्वर के बीच में दीवार है। प्रेज द लॉर्ड। आपके और परमेश्वर के बीच में कौन दीवार है? आपका आलस, जिससे आप प्यार करने लगे। ये कहते नहीं यार, थोड़ा सा क्या हुआ, सोई तो रही हूं। हालेलुया। प्रार्थना करने में तो लेट हो गई। आप इसको समझिए, आपके लिए जो छोटी चीज है वो परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी चीज है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए विश्वास करिए, जब हम परमेश्वर की दृष्टि से अपने आप को देखेंगे तब हम पाएंगे कि हम किस लेवल पे हैं। हम अभी अपने आप को बहुत धार्मिक समझते हैं, चर्च आना, बाइबल पढ़ना, दशांश देना, प्रार्थना करना, बड़े अपने आप को धार्मिक समझते हैं। लेकिन जब परमेश्वर की दृष्टि से अपने आप को देखेंगे, क्योंकि जब परमेश्वर आएगा आपको लेने के लिए तो अपनी दृष्टि से देखेगा कि मेरा बच्चा ये कहां पर है, फिर आपकी दृष्टि नहीं चलेगी, फिर आपकी राय नहीं चलेगी। इसलिए वो यीशु कहता है कि जब मैं आऊंगा तुम लोग बोलोगे हे प्रभु, हे प्रभु, हमने तेरे लिए दुष्टात्मा निकाली, हमने ये काम किया, वो काम किया, और मैं बोलूंगा तुम्हें नहीं जानता। प्रेज द लॉर्ड। जैसे वो 5 बेवकूफ दुल्हन बुझा हुआ दिया लेके चल रही है यीशु से मिलने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दरवाजे बंद हो गए, वो बाहर रह गए। तो मेरी बहन, हमें देखना है कि हमारी छोटी से छोटी कौन सी ऐसी कमजोरी है जो हमें परमेश्वर से दूर कर सकती है, कौन सी ऐसी चीज है हमारी छोटी से छोटी जो परमेश्वर की दृष्टि में बड़ी है। वो कब आप देखेंगे, वो कब आप महसूस करेंगे? जब आप परमेश्वर की दृष्टि से अपने जीवन को देखेंगे। परमेश्वर की दृष्टि से अपनी बेहतर जीवन को देखिए, अपनी फैमिली लाइफ को देखिए परमेश्वर की दृष्टि से, परमेश्वर की दृष्टि से देखिए अपने मसीह जीवन को कि मेरा मसीह जीवन है। परमेश्वर की दृष्टि से देखिए, क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या मैं सही तरीके से जीवन जी रहा हूं, क्या वो सही वचन मेरे जीवन में काम कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और इसके लिए बाइबल कहती है कि हमें जांचना है अपने आप को, हमें जांचना है। हेलो, देखिए एक वचन में पढ़ता हूं आपके लिए, 16:10, लूका 16:10। इसके बाद फिर हम आएंगे। लूका 16:10, हमारी छोटी सी चीज हमें कहीं बहा के ना लेके जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लूका 16:10 पढ़िए। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है। आमीन। हालेलुया। वो आपके थोड़े से सच्चाई को भी बहुत मान देता है। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ी सी सच्चाई को भी, थोड़े से भी आपके समर्पण को भी। कभी कभी आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में काम करते हैं आप लोग, और आपकी डेस्क पर फोन पड़ा हुआ है। किसका फोन है वो? गवर्नमेंट का। आपका नहीं है। बिल कौन दे रहा है? गवर्नमेंट। प्रेज द लॉर्ड। और आप उससे अपना पर्सनल काम कर रहे हैं, अपने पर्सनल फोन कर रहे हैं उससे। आपके लिए छोटी बात है लेकिन परमेश्वर के लिए गलत है। आपको परमेश्वर ने अपना फोन दिया है?
हेलो, आप किसी का गलत फायदा उठा रहे हैं, पाप है। आप अपने औहदे का गलत फायदा उठा रहे हैं, पाप है। प्रेज द लॉर्ड। औरतें कई बार अपने पति के सामने बहुत कमजोर बन जाती हैं, बिल्कुल बच्ची से बन जाती है, हमसे काम नहीं होता, दर्द हो रहा है, यहां दर्द हो रहा है, क्या करूं, सुबह से शाम तक अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए कि पति मेरी इंपॉर्टेंस समझे, सुबह शाम तक आया है, मेरी इंपॉर्टेंस समझे। लेकिन अगर आप झूठ बोल रही हैं तो पाप है, गलत है। हेलो, आपके लिए हो सकता है वो एक कि पति भी तो झूठ बोलता है, अगर मैंने बोल दिया तो क्या है, लेकिन नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में पाप है वो। तो क्या कहता है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत सी चीजों में अधर्मी है। इसलिए परमेश्वर कहता है, परमेश्वर की दृष्टि से खुद को देखो, अपने जीवन को परमेश्वर की दृष्टि से देखो कि तुम कहां हो, तुम किस तरीके से चल रहे हो, तुम किस तरीके से वचन पढ़ रहे हो, तुम किस तरीके से उस वचन पर अमल कर रहे हो, आपका समर्पण क्या है, आप किस तरीके से कलीसिया आ रहे हैं, आप किस तरीके से कलीसिया में बैठ रहे हैं, आपका मन क्या कह रहा है। हालेलुया। आप पड़ोसी से किस तरह प्यार करते हैं वो भी परमेश्वर देखता है, कि परमेश्वर ने कहा है चर्च में इसलिए प्यार कर रही हूं, वैसे कोई बाहर मिलते हैं तो देखो भी नहीं, तो चर्च में आती हूं तो हेलो करना पड़ता है, परमेश्वर देखता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे अंदर इशू है, हम कहीं भी जाएं, कहीं अगर हम काम भी कर रहे हैं और हमारी वजह से किसी का दिल दुखता है, पाप है। सामने वाले ने कुछ भी हमारा अहित किया हो, सामने वाले ने बिना वजह मुझे नौकरी से निकाल दिया हो, कोई बात नहीं, हमारी दीनता नहीं जानी चाहिए। अगर हमारी दीनता गई इसका मतलब इशू हमारे अंदर नहीं है। आप कहेंगे पास्टर उसने मुझे बिला वजह निकाल दिया, मुझे गुस्सा आ गया, तो आप मसीह नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आप आम इंसान है या मसीह है? मसीह हूं तो आपको झुकना है, आपको दीनता रखनी है, और अगर आप ऐसा करते हैं उससे माफी मांगिए, उससे क्षमा मांगिए कि नहीं बहन, मेरे भाई, मुझसे गलती से हो गया था, मैंने गलती से गुस्सा किया और आपको मैंने दो शब्द गलत बोले। आपकी दृष्टि में हो सकता है वो पाप नहीं हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में पाप है, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी आत्मा आपको दी है, परमेश्वर ने अपनी बुद्धि आपको दी है, परमेश्वर की आप आंखों की पुतली है, परमेश्वर ने आपको अपना पुत्री बनाया है, पुत्र बनाया है। हेलो, इसीलिए वो कहता है याकूब 1:12, धन्य वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वाले से की है। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि धन्य कौन है? वो नहीं जो धनवान है, वो नहीं जो पैसे वाला है, वो नहीं जो ताकत वाला है, वो नहीं जिसके बंगले हैं, धन्य वो है जो परीक्षा में स्थिर रहता है। क्यों? परीक्षा में स्थिर कौन रहेगा? जो परमेश्वर के मन को जानेगा, जो जानेगा कि परमेश्वर ने क्यों मेरे जीवन में परीक्षा लाई है, विचलित नहीं होगा वो, विचलित नहीं होगा वो। अय्यूब, इतनी बड़ी परीक्षा अय्यूब के जीवन में आई, वो विचलित नहीं हुआ, उसके बच्चे मर गए, उसकी धन दौलत चली गई 1 घंटे के अंदर, उसके फोड़े आ गए उसके शरीर में, उसकी बीवी कहती अरे छोड़ उस पिता परमेश्वर को, निंदा कर उसकी, उसके दोस्त उस पर इल्जाम लगा रहे तूने कुछ तो किया हुआ, तू गलत है। हालेलुया। लेकिन अय्यूब स्थिर रहा। अय्यूब जोब 23:10-11-12, जोब अय्यूब 23:10-11-12, अय्यूब विचलित नहीं हुआ। क्यों विचलित नहीं हुआ? क्योंकि वो अपने जीवन को परमेश्वर की दृष्टि से देखता था। मैं वो काम करूं जो परमेश्वर की दृष्टि में
गलत नहीं है। अगर मैं कुछ ऐसा सोचता हूं जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, माफी मांगिए। अगर मैं ऐसा कुछ बोलता हूं जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, माफी मांगिए। अगर मैं ऐसा कुछ सुनता हूं जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, तो माफी मांगिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन अय्यूब जानता था। अब अय्यूब क्या कहता है दोस्तों से, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, अय्यूब को जानने, हम परमेश्वर को जानने के लिए आपको अय्यूब को जानना पड़ेगा। परमेश्वर ने क्या कहा शैतान से, जा अय्यूब की परीक्षा कर, क्योंकि वो खरा है। कौन है वो? हेलो, क्या है वो? खरा। बात करिए, कौन है वो? खरा। जा उसकी परीक्षा कर, क्योंकि वो खरा है। वो जानता था कि अय्यूब कैसे उससे प्यार करता है। वो जानता था कि परमेश्वर उसकी जीवन में क्या हैसियत रखता है। हालेलुया। लेकिन जितना परमेश्वर अय्यूब को जानता था, अय्यूब भी परमेश्वर को जानता था। इसलिए उसकी स्थिरता थी, इसलिए वो स्थिर था। आप अपनी परीक्षाओं में स्थिर कब रहेंगे? जब आप परमेश्वर को जानेंगे। और परमेश्वर ने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है। परमेश्वर ने बता दिया कि वो आपसे कितना प्रेम करता है। उसने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया आपके लिए। आपको पाने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दे दिया, उसका लहू बहाया ताकि आप सुख पाए, आशीष पाए। वो बता चुका कि मैं कितना प्रेम करता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए अय्यूब जानता है अपने पिता को, इसलिए वो स्थिर है। पढ़िए बेटा 23:10। परंतु वो जानता है कि मैं किस कैसी चाल चला हूँ, और जब वो मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। हालेलुया। अय्यूब क्या बोलता है? अय्यूब के फोड़े निकले हुए, उसके बच्चे मर गए, उसके ऊंट खत्म हो गए, उसके जो सेवक थे वो चले गए, सारा घर उजड़ गया, सारा घर उजड़ गया, उसके पास कुछ नहीं था। लेकिन क्या कहता है? परंतु वो जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं। हालेलुया। वो दोष नहीं लगा रहा है, उसे गर्व है कि मैं कौन हूं। वो क्यों रहा परीक्षा में स्थिर? कि उसे पता था कि मैं कौन हूं। आज सबसे बड़ी बात यह है कि आप नहीं जानते कि आप कौन हैं, इसलिए आप गलतियां कर जाते हैं। आपको गुस्सा आता है, आप सामने वाले को बेफिजूल में कुछ ना कुछ बोल देते हैं। आप गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि आपको पता ही नहीं आप कौन है। अय्यूब जानता था कि मैं कौन हूं, और क्या कहता है कि वो मुझे जानता है कि मैं कैसी चाल चलाऊं, और जब वो मुझे ता लेगा, यानी कि जब वो मेरी परीक्षा कर लेगा, तब वो देखेगा कि मैं सोने की तरह निकला हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी कि इस समय वो कहां पर है? अय्यूब उस भट्टी में है। कहां पर है? उस भट्टी में है। परीक्षा क्या है? आग की भट्टी। परीक्षा क्या है? वो आग की भट्टी जिसमें आपकी स्थिरता देखी जा रही है। परीक्षा क्या है? धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। परीक्षा क्या है? वो आग की भट्टी, वो सोना। सोने को कब इंसान नापता है? सोने को कैसे इंसान पहचानता है? जब वो आग की भट्टी में रखता है। सोना जब आग की भट्टी में रखा जाता है, तभी उसकी चमक से पहचान होती है कि हां वो असली है कि नकली है। हालेलुया। परीक्षा में स्थिर कौन रहता है? जो परीक्षा में पूरी तरीके से अपने आप को डाल देता है। हालेलुया। इसलिए परीक्षा क्या है? आग, वो आग की भट्टी जिसमें हमें स्थिर रहना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अय्यूब कहां था? परीक्षा में था। वो जानता था कि मैं परीक्षा में हूं। वो जानता था कि मुझे सोने की तरह उस आग में डाला गया है। जब मैं उस आग से निकलूंगा, तो वो जानेगा परमेश्वर कि मैं सोना हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब मुझे डालेगा वो, तब मैं सोने के समान निकलूंगा। हालेलुया। कोई कह सकता है ये? वही कह सकता है जो परमेश्वर की दृष्टि से अपने अपने जीवन को देखता है कि मैं सोना हूं। अगला 11वां, मेरे पैर उसके मार्ग में स्थिर रहे और मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहा। मेरे पैर उसके मार्ग में स्थिर रहे, मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहा। हालेलुया,
वो जानता है कि मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। परमेश्वर ने क्यों चुना उसे? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि इसने कोई गलत काम नहीं किया है। और अय्यूब जानता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है कि हमारे जीवन में कितनी भी परीक्षाएं आ जाए, हम अपने आप को जाने। आप जब परमेश्वर की दृष्टि से अपने आप को देखेंगे, तब आपको अपना लेवल पता लगेगा कि आप कहां पर हैं, आप कितने ऊपर हैं, कितने धार्मिक हैं, कितने नास्तिक हैं, कितने सांसारिक हैं, कितने व्यवहारिक हैं, तब आपको पता चलेगा। वो कहता है कि मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे हैं, कहीं विचलित नहीं हुआ मैं। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये आप सब जानते हैं, ये आप सब जानते हैं कि हम कैसे सेवा कर रहे हैं, हम कैसे चली कलीसी आ रहे हैं, सुसमाचार सुनाने के लिए हम कितने झूठ बोलते हैं, एक दूसरे पर हम बहाना लगाते हैं। अगर आप मन से पूछेंगे, सब जानते हैं आप कि हम दिल से सुसमाचार नहीं सुनाते। वो कहता है मेरे पैर स्थिर रहते हैं, उसके मार्ग पर स्थिर रहे हैं, मैं कभी भटका नहीं। आगे, उसकी आज्ञा का पालन करने में मैं न हटा, उसकी आज्ञाओं का पालन करने में मैं न हटा, और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कई अधिक काम में जाकर सुरक्षित रखे। मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम में काम के जानकर सुरक्षित रखे हैं। मैंने उसके वचन अपने जीवन में सुरक्षित रखे हैं कहीं अधिक। उसके वचनों के द्वारा मैं काम करता हूं, उसके वचनों के द्वारा मैं चलता हूं। मेरे जीवन का वचन है, आज का वचन मेरे जीवन में क्या है? जब मैं किसी से बात कर रहा हूं तो कौन सा वचन है मेरे जीवन में? जब मैं किसी से पेमेंट लेने के लिए गया तो कौन सा वचन है मेरे जीवन में? मैं जब किसी से लड़ाई लड़ रहा हूं, या मैं कोई मुझे बड़ा भूला कह रहा है, तो मेरा कौन सा वचन है उस समय मेरे साथ? प्रेज द लॉर्ड, क्या वो वचन के संग हम चल रहे हैं? वचन क्या कहता है? कि जो तुम्हें सताता है उनके लिए प्रार्थना करो। क्या आप जबान लड़ा रही हैं या प्रार्थना कर रही हैं? अगर आप जबान लड़ा रहे हैं अपने पति से, तो इसका मतलब वचन आपके साथ नहीं है। वचन क्या कहता है? कि जो तुम्हें सताता है उसके लिए प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो कहता है परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर का वचन मेरे जीवन से हटा नहीं है, और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर रखे हैं, कहीं अधिक, क्योंकि मैं जानता हूं उसके वचन बहुत काम के हैं। उसके वचन कम नहीं है, उसके वचनों की कीमत कम नहीं है। जिस दिन आप ये जान लेंगे मेरे भाई कि उसके वचनों की कीमत क्या है, अय्यूब जान गया था कि उसके वचनों की कीमत क्या है, वो जान गया कि पिता ने जो बोला है उसकी कीमत क्या है, वो जान गया था कि जो पिता ने कहा है मुझे उस पर अमल करना है। पिता से आगे कोई नहीं, पिता के वचन के आगे कुछ भी नहीं है। इसलिए अय्यूब जो था वो परीक्षा में स्थिर रहा। प्रेज द लॉर्ड। यशाया 43 का 10 और 11, इसलिए वो स्थिर रहा, इसलिए वो इतना नुकसान हो गया, सब कुछ छिन गया, लेकिन उसने प्रभु की निंदा नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि वो कौन है, क्योंकि वो परमेश्वर की दृष्टि से देख रहा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन मेरी बहन, मेरी बच्ची, आप परमेश्वर की दृष्टि को जान लेंगी, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि आप जानिए चाहे कितनी भी परीक्षाएं क्यों ना आए, चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, आप ये विश्वास करिए कि आपका पिता आपको नहीं छोड़ेगा, आपको नहीं छोड़ेगा। जिस दिन हमने ये जान लिया मेरी बहन, उस दिन आप अद्भुत सुख उठाएंगी, और किसी भी चिंता से आप घबराएंगे नहीं, किसी परीक्षा से आप घबराएंगे नहीं। हालेलुया। इसलिए वो कहता है 43 का 10, यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूँ, मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ और न मेरे बाद कोई होगा। मुझे कौन से लोग चाहिए?
मेरे बच्चे कैसे होने चाहिए? जो समझकर मुझ पर विश्वास करें। अगर आप समझकर उस पर विश्वास करेंगे तो आप अपनी परीक्षाओं में हिलेंगे नहीं। अगर आप परीक्षाओं में हिलते हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर को जानते नहीं, परमेश्वर को आपने समझा ही नहीं। वो कहता है जिन्हें मैंने चुना है वो समझकर मेरी प्रतीति करें। और प्रतीति क्या करें? विश्वास क्या करें? कि वो जान ले कि मैं ही हूं। वो जान ले कि मैं ही हूं। ग्यारहवां पढ़िए, मैं ही हुआ हूं और मुझे छोड़कर कोई उद्धार करता नहीं। मैं ही हूं इस धरती को बनाने वाला, मैं ही हूं रचयिता, मैं ही हूं उद्धार करता, और कोई दूसरा नाम इस धरती पर नहीं है। आप जान लीजिए। जिस दिन आपके मन में हमेशा ये रहेगा, जिस दिन आपके मन में हमेशा ये भावना रहेगी, जिस दिन आपके मन में ये शक्ति रहेगी कि प्रभु ईश्वर जो रचयिता है, जो सर्वशक्तिमान है, वो ही है जिसको मैं पूछता हूं, आपकी परेशानियां, आपकी चिंता आपके सामने घुटने टेकेंगी। हालेलुया। तो इसलिए वो कहता है कि मुझे वो बच्चे चाहिए, मेरा वो गवाह हो, मेरा वो दास हो, जो समझकर मुझसे प्रेम करे और ये समझ ले कि मैं ही हूं और कोई नहीं है। क्यों? क्यों वो कहता है कि तुम मेरी दृष्टि से अपने आप को देखो? दूसरा पत्रस 1:3-4, सेकंड पीटर 1:3-4, सेकंड पीटर 1:3-4, क्यों वो कहता है कि अपनी चिंताओं को मुझ पर डालो? क्या कहा उसने? मत्ती 11:28 में है, बोझ से दबे लोगों, हे परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपना बोझ किस पर डालो? मुझ पर। यानी कि अपनी चिंता करने का बोझ मुझ पर डालो, अपनी चिंता में विचलित करने का बोझ मुझ पर डालो। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? देखिए क्या कहता है दूसरा पत्रस 1:3-4, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दे दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया। नेक्स्ट, चौथा, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। क्यों दी हैं प्रतिज्ञाएं? ताकि आगे, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। ये प्रॉमिसेस परमेश्वर ने क्यों दी हैं आपको? ताकि आप उस सड़ाहट से छूट जाएं, उस चिंताओं से छूट जाएं, वो गलत सोच से छूट जाएं कि ये चिंता, ये जो आ गया है दुख, ये जो कर्जा आ गया है, ये जो मुसीबत आ गई, अब मेरा बेड़ा गर्क कर देगी। अरे हट इस सड़ाहट की चिंता से, आप अपने आप को छुटकारा दीजिए। इसलिए उसने प्रॉमिसेस दी आपको, इसलिए उसने जीवन और भक्ति से संबंधित आपको आशीष दे दी है। प्रेज द लॉर्ड। आपको आशीष दे चुका है वो। क्यों दे चुका है? ताकि आप इनके द्वारा, किसके द्वारा? इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा, इन आशीषों के द्वारा, उस सड़ाहट से छूटकर, वो जो सड़ाहट थी आपका डर, आपकी गंदी सोच, उस सड़ाहट से छूटकर ईश्वरीय स्वभाव में अपने आप को रखें। कब रखेंगे ईश्वरीय स्वभाव में अपने आप को? जब आप परमेश्वर की दृष्टि से अपने आप को देखेंगे, जब आप परमेश्वर की दृष्टि से अपनी चिंताओं को देखेंगे। आपकी लड़की की शादी तय हो गई है, कौन करेगा आपकी लड़की की शादी? परमेश्वर, क्योंकि आप परमेश्वर के चरणों में समर्पित हैं। हालेलुया। मुझे थामने वाला कौन है? मेरा यीशु। मुझे ले चलने वाला कौन है? मेरा यीशु। जिस दिन आप अपनी अपनी समस्याओं के सामने उसको जान लेंगे, आपकी समस्या कुछ भी नहीं रहेंगी आपके लिए, आपकी चिंताएं कुछ भी नहीं रहेंगी आपके लिए। इसलिए वो कहता है वो सड़ाहट भरी जिंदगी से, इसलिए उसने प्रतिज्ञाएं दी हैं, इसलिए उसने वादे किए हैं, इसलिए उसने आपको आशीष दिया है, इसलिए उसने आपको चुना है, इसलिए वो कहता है कि तुम समझकर मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सड़ाहट की जिंदगी से तुम्हारा छुटकारा हो।
वो डर से तुम्हारा छुटकारा हो, वो भय से तुम्हारा छुटकारा हो, कमजोरी से तुम्हारा छुटकारा हो, श्रहार से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती हैं। किससे होती है श्रहार? कब आती है? जब आप बुरी अभिलाषाएं करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। देखिए लूका 21:34-36, श्रहार कब होती है? जब बुरी अभिलाषाएं आती हैं। इसलिए वो कहता है उन बुरी अभिलाषाओं से छूटकर प्रभु के चरणों में रहो, मुझे जानो, क्योंकि मैं तुम्हें ईश्वरीय स्वभाव देना चाहता हूं, मैं तुम्हें ईश्वरीय सुख देना चाहता हूं। हालेलुया। मैं तुम्हें ईश्वरीय जीवन देना चाहता हूं। ध्यान दीजिए वचनों को। हालेलुया। पढ़िए 21:34-36। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वो दिन तुम पर फंदे की नाएं अचानक आ पड़े। किसके लिए कह रहा है वो? ये किसके लिए कह रहा है वो? हमारे लिए। हमारे लिए। आपने सब गंदे काम छोड़ दिए ना, आप पवित्र हो गए, परमेश्वर ने आपको पवित्र कर दिया है। लेकिन अगर आपकी चिंता आपके साथ है तो कह रहा है सावधान रहो, वो मन जिसको यीशु ने नया किया है, वो आत्मा जो परमेश्वर ने जिंदा रखी है, वो पवित्रता जो परमेश्वर ने दी है, आपको पवित्र कर दिया है परमेश्वर ने। लेकिन तुम अगर चिंता करोगे और परमेश्वर को नहीं जानोगे तो सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन में, मेरी बाइबल में लिखा है पियक्कड़पन में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुम फिर से जा सकते हो एक उसी जीवन को जीने के लिए। कहीं ये ना हो कि तुम वही से जीवन जियो। परमेश्वर चिंतित है कि मेरा बच्चा कहीं फिर से वही जीवन जीना ना शुरू कर दे जो छोड़ के आया है वो। क्यों? क्योंकि वो चिंताओं से भटक जाता है, उसके जीवन में चिंता आती है, भटक जाता है। कल क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरे धंधे का क्या होगा। मेरे भाई, जिस दिन हम यीशु के नजरों से, यीशु की दृष्टि से, परमेश्वर की दृष्टि से खुद को देखेंगे, उस दिन हम पाएंगे कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है और हमें अपने आप को बना के रखना है। 35वां, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। 36वां, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो, हर पल प्रार्थना में गुजारो कि कहीं परीक्षा में ना पड़ो, कहीं तुम्हारा जो कर्जा है तुम्हें डराए नहीं, कहीं तुम्हारी बीमारी जो है वो तुम्हें डराए नहीं, कहीं जो तुम्हारी मुसीबत है वो डराए नहीं, कहीं बच्चों की फीस आपको डराए नहीं, कहीं मकान का किराया आपको डराए नहीं, कहीं आपके पति की नौकरी आपको डराए नहीं। प्रार्थना करते रहो हर पल हर क्षण। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सको। यज्ञगुप्त में आने वाला यीशु, उसके सामने खड़े होने के योग्य बन सको। इसलिए इन घटनाओं से अपने आप को दूर रखो, डरो मत, प्रार्थना करो। यही कहा था पत्रस से परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने, प्रार्थना कर। लेकिन उसके दिमाग में वचन शैतान का, परीक्षा का इतना भय था कि वो समझ ही नहीं पाया। मैं तेरे संग जेल जाने के लिए तैयार हूं यीशु, मरने के लिए तैयार हूं। यीशु कैसा है? पतरस, तूने अभी खुद को जाना ही नहीं, तू आज की रात 3 बार मेरा इनकार करेगा, तू इनकार करेगा मेरा।
प्रेज द लॉर्ड। क्यों इनकार किया उसने? क्योंकि उसने खुद को परमेश्वर की दृष्टि से नहीं देखा। जब वो क्या यीशु को लोगों ने पकड़ा और यीशु को मार रहे थे, एक दासी वहां पर आई, उसने कहा अरे तू तो उनके साथ था। उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं था। फिर दूसरे एक आदमी ने पूछा अरे भाई तू तो उनके साथ था। अरे नहीं मैं नहीं था। फिर तकरीबन एक घंटा बीत गया, वो आग ताप रहा था और वो देख रहा था कि यीशु को मार रहे हैं, यीशु चुप है, कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। वो यीशु को समझ नहीं पाया। उसने कहा कहीं मैं गलत तो नहीं था, कहीं मैंने किसी कहीं मैंने इसको आप गलत तो वो नहीं मान लिया प्रभु, ये क्यों नहीं कुछ बोल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ये क्यों नहीं कुछ बोल रहा है, ये क्यों मार खा रहा है, कहीं मैंने गलत तो यीशु मसीह को नहीं सुन लिया। क्योंकि वो भूल गया, उस रूपांतरण को भूल गया, परमेश्वर की आवाज को भूल गया, वो भूल गया यीशु कौन है। इसीलिए जब मरियम मगदलीन जब वहां से आई और स्वर्गदूतों ने कहा कि यीशु मसीह जिंदा हो गया है और वो गलील में जाएगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, मरियम मगदलीनी से उन्होंने क्या कहा कि वो गलील में जाएगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ध्यान दीजिए, प्रेज द लॉर्ड। ग्यारहवां पढ़िए, 24:11। सब बातों को मरियम, देखिए ध्यान से सुनिए, कैसे है जो परीक्षाएं हैं आपको कठोर कर देती हैं, प्रभु को आपसे दूर कर देती हैं। यीशु मसीह बता चुका था कि मैं मरकर जिंदा होने वाला हूं, मैं ही हूं जो आने वाला हूं, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो देख रहा था कि यीशु मसीह मार खा रहे हैं, वो भूल गया कि क्यों मार खा रहे हैं। उसे जानने की कोशिश नहीं की, उसने परमेश्वर की दृष्टि से अपने आप को नहीं देखा। अगर वो परमेश्वर की दृष्टि से अपने आप को देखता तो प्रभु उसे बताता कि यीशु का मार खाना हमारे लिए जरूरी है, यीशु का लहू बहाना हमारे लिए जरूरी है। जब तक यीशु मसीह लहू नहीं बहाएगा हम आशीष नहीं पाएंगे। यीशु मसीह के लहू बहाने से हम चंगे हो चुके हैं, यीशु मसीह कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, यीशु मसीह के मर के जिंदा होने से ही हमें अनंत काल का जीवन मिला है। उसका मरना भी जरूरी था, उसका मर के जिंदा होना भी जरूरी था, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो ये नहीं जान पाए। देखिए ग्यारहवां क्या कहता है, जैसे ही मरियम मगदलीनी ने आकर बताया कि स्वर्गदूतों ने क्या कहा है कि वो तो जिंदा हो गया है और वो तुमसे पहले गलील में जाकर दिखेगा, हालेलुया, हालेलुया। 24:11, लूका 24:11। परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति न की। प्रेज द लॉर्ड। 3.5 साल तक चेले यीशु के साथ घूम रहे हैं, 3.5 साल तक उन्होंने यीशु से क्या कहा पतरस ने, मैंने आपके लिए मां बाप छोड़ दिए, सब छोड़ दिया। जब्ती के पुत्र की मां आई कि ये यूहन्ना ये याकूब है, यीशु तो इनके दाहिनी ओर बैठा, तो इनको अपने दाहिनी ओर बैठा और बाईं ओर बैठा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो लोग क्या समझ रहे हैं, परंतु उनकी बातें, किनकी बातें, मरियम मगदलीनी की बातें उन्हें, किसको, पतरस को, 11 चेलों को कहानी सी समझ पड़ी, वो कहानी लग रही थी। क्या यीशु मसीह मर के जिंदा हो गया? अरे यार ये कैसे हो सकता है, वो तो आम आदमी था, मार खा रहा है, इसलिए ऊपरी कोठरी में बैठे हुए, हालेलुया। यीशु की कहानी, यीशु उनको कहानी लगा, यीशु का मरका मर के जिंदा होना कहानी लगा उनको, क्योंकि वो चिंताओं में इस कदर चिंताओं ने उन्हें घेर लिया था। मेरे भाई आप सोचिए उन चेलों की जो हालत हो गई, अगर आप परमेश्वर की दृष्टि से अपने आप को या अपनी चिंताओं को नहीं देखेंगे तो आप भी आजमाइश में आ सकते हैं, क्योंकि अंतिम समय में सताव आएगा। प्रेज द लॉर्ड।
और बाइबल कहती है बहुत बहुत होंगे जो फिर जाएंगे, पीछे चले जाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं। आप यीशु मसीह में हैं, आप उद्धार पा चुके हैं, लेकिन संसार की दृष्टि से अपने आप को देखते हैं। Praise the Lord। आप कहते भाई पास्टर मेरा पड़ोसी बहुत झूठ बोलता है, बहुत झूठ बोलता है, वो अपनी बीवी को मारता है, उसके बाद बीवी भी उसको मारती है, कितना गलत करती है। हम अच्छे ना देखिए पास्टर, हम मसीह है ना, हमें तो नहीं करना चाहिए। वेरी गुड, संसार की दृष्टि में आप श्रेष्ठ बन गए, लेकिन क्या परमेश्वर की दृष्टि में श्रेष्ठ हैं? प्रेज द लॉर्ड। आपने अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि से आंका है? आपने अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि से देखा है? आप संसार से अपने आप को नाप रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चर्च में तो सभी अच्छे होते हैं, घर में जब आपकी लड़ाई होती है बीवी से या मियां से तो क्या आपका मुंह नहीं खुलता है? हालेलुया। हमें अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि से देखना है। हम परमेश्वर की दृष्टि में कहां हैं? चेले परमेश्वर की दृष्टि से अपने आप को नहीं देख रहे थे, इसीलिए यीशु का मरकर जिंदा होना उनको कहानी लगी। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ऊपरी कोठरी में थे, इसलिए समझ नहीं पाए वो, इसीलिए यीशु मसीह को दोबारा आना पड़ा, 40 दिन रहे, इसलिए पत्रस से बोला अरे मैं ही हूं, देख बेटा यीशु मसीह रोटी खिलाई, मछली खिलाई। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर की दृष्टि में कौन हैं, हम परमेश्वर की दृष्टि में कैसे हैं, हमें देखना है। परमेश्वर की दृष्टि से जब हम अपने जीवन को जिएंगे, हमारा जीवन बदल जाएगा। प्रेरितों का काम 16 6 से पढ़िए, 6 से 10। यहां पर मैं आपको पौलुस के बारे में बताऊंगा। पौलुस परमेश्वर की सेविकाई कर रहा था। देखिए किस तरीके से परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। जब परमेश्वर की दृष्टि से आप अपने जीवन को देखते हैं, जब आप परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर आप मुझे बताएं मैं कैसे चलूं, तो परमेश्वर की आत्मा आपको बताता है। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर बताइए, आप देखिए कि पौलुस को किस तरीके से परमेश्वर की आत्मा गाइड कर रहा है, क्योंकि पौलुस ने अपने आप को समर्पित कर दिया कि मुझे परमेश्वर की आत्मा गाइड करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक्ट्स प्रेरितों के काम 16 का 6 से 10। वे फुकरिया और गलतियों परदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस को एशिया में वचन सुनाने से मना किया पवित्र आत्मा ने। क्यों मना किया? आगे पढ़िए। उन्होंने मुसिया के निकट पहुंचकर बितुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। प्रेज द लॉर्ड। एक मिनट, सातवां दिखाइए। उन्होंने मुसिया के निकट पहुंचकर बितुनिया में जाना चाहा। पहला पत्रस 1:1 पढ़िए, पहला पत्रस 1:1। पौलुस ने, प्रेज द लॉर्ड, मूसिया के निकट पहुंचकर बितुनिया में जाना चाहा कि मैं बितुनिया शहर में जाऊं और वहां जाकर परमेश्वर का वचन सुनाऊं, लेकिन यीशु की आत्मा ने मना कर दिया। क्यों? पहला पत्रस 1:1। पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है उन परदेशों के नाम जो पिंतुस, गलातिया, कपदुकिया, आसिया और बितुनिया में तीतर बितर होकर रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्यों मना किया? क्योंकि पत्रस बितुनिया में सुसमाचार सुना चुका है। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, पत्रस बितुनिया में था, बितुनिया में सुसमाचार सुना चुका है, इसलिए पौलुस को बितुनिया में जाने से मना किया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की आत्मा आपको गाइड करती है आपको क्या करना है।
वो कब गाइड करती है? जब आप परमेश्वर की दृष्टि से अपने आप को देखेंगे, जब आप परमेश्वर को बोलेंगे नहीं आप गाइड करो, मुझे नहीं पता, मुझे वो जीवन जीना है पवित्र आत्मा जिसका आप मुझे बताओ। लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। हालेलुया। इसी का 9:8-9 प्रेरित काम Acts 16। हाँ, अतः वे मुसिया से होकर त्रोआस में आए। वहाँ पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकिदुनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कह रहा है, पार उतरकर मकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। अब पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकिदुनिया पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कह रहा है कि पार उतरकर मकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बताएगा कि आपको कैसे जीवन जीना है। 10वां, उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा। उसके ये दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा। ये समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। आमेन। ये क्या, पौलुस कैसे जान सका उस दर्शन को? पौलुस कैसे उस आत्मा का दर्शन पाया? पौलुस कैसे परमेश्वर की आत्मा को समझ सका? क्योंकि पौलुस ने अपनी आत्मा उसके चरणों में रख दी थी। पौलुस ने बता दिया था, बता परमेश्वर मेरा जीवन तेरे लिए समर्पित है। आपको दर्शन क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आप 90% संसार में हैं, 10% आप प्रभु में हैं, 10% प्रभु में आप। आप अपनी सहूलियत से प्रभु में आते हैं। इसलिए आपको दर्शन नहीं मिल रहा, इसलिए उसकी आवाज आप नहीं सुन पा रहे कि वो क्या चाहता है, तुम्हें कैसे जीवन जीना है। क्योंकि हमारा मन तो संसार में लगा हुआ है, हम प्रभु में नहीं है, हैं लेकिन नहीं है। इसलिए पौलुस को उसकी आत्मा बता रही है तुझे क्या करना है। प्रेज द लॉर्ड। क्या वो आत्मा हमें नहीं बता सकती, आपको नहीं बता सकती? मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि उसकी आत्मा मुझसे बात करती है। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूं, और मैं एक बार नहीं हर बार उसकी आवाज को सुनता हूं और उसी के अनुसार जिंदगी जीता हूं। मैं अपने अनुसार जिंदगी नहीं जीता हूं, ना अपनी बीवी के अनुसार, ना अपने संसार के अनुसार। मैं सिर्फ प्रभु के अनुसार जिंदगी जीता हूं। जो प्रभु कहता है वही करता हूं, जो वो कहता है। और ये प्रार्थना करता हूं परमेश्वर की मैं हमेशा करता रहूं और परमेश्वर के काम आऊं। जितना आप परमेश्वर को बताएंगे कि प्रभु मैं आप पर आश्रित हूं, आप मेरी उंगली थामिए, आप मुझे ले चलो, मुझे रास्ता नहीं पता, मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे समझ नहीं है, मुझे आप लेकर चलो, मैं निर्बल हूं, मैं शून्य हूं, मैं दीन हूं। उस दिन आप परमेश्वर का आशीष पाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Luke 22:53। देखिए यीशु मसीह ने कैसे जाना, Luke 22:53। जब गतसमनी के समय महायाजक, मंदिर के याजक, वो फारिसीस जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए उस गतसमनी के बाग में, हालेलुया, चेले भाग गए। यीशु मसीह ने क्या कहा सुनिए, जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था, हाँ, तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला। वो लाठियां लेकर आए, मशाले लेकर आए, तलवारें लेकर आए। यीशु मसीह ने क्या कहा, जब मैं मंदिर में तुम्हारे साथ था तुमने मुझ पर हाथ नहीं डाला, तुमने मुझे नहीं पकड़ा। तुम एक डाकू को पकड़ने के लिए आए हो, तुमने मुझे क्या समझते हो? अब देखिए, अब इस वचन में यीशु मसीह ने परमेश्वर की दृष्टि से अपने आप को देखा। ध्यान दीजिए, यीशु मसीह ने कैसे परमेश्वर की दृष्टि से अपने आप को देखा, पर यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। हालेलुया। तुमने हाथ नहीं डाला, पर
अब यहां से परमेश्वर के परमेश्वर की योजना को उसने समझ लिया कि पर ये तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार तुम्हारा है, इसलिए चुप हो गया। चलिए ये परमेश्वर की योजना है। चलिए उसने कुछ नहीं कहा, उसने चेलों से नहीं कहा कि चलाओ तलवार, वो जान गया परमेश्वर की योजना क्या है। अंधकार की घड़ी अब तुम्हारी है, अंधकार का जो अधिकार है ना अब तुम्हारा है। ओके मैं तुम्हारे साथ हूं, चलो कहां ले चलना है। इसलिए आप देखेंगे कि जब यीशु मसीह गए महायाजकों के पास, गए पिलातुस के पास, गए जो सैनिक थे उसके मुंह पे थूक रहे थे, उसका हंसी ठट्टा कर रहे थे, वो कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसने क्या कहा कि मैं उसे समर्पित कर दिया कि अंधकार का अधिकार तुम्हारा है। ओके चलो, अब मैं अंधकार के अधिकार में हूं। जिस दिन आप परमेश्वर की दृष्टि से अपनी चिंताओं को देखेंगे कि ओके ये नौकरी छूटना परमेश्वर की ओर से है, ओके उस दिन आपको दुख नहीं होगा। हालेलुया, ये कष्ट मेरे जीवन में आ रहा है क्योंकि परमेश्वर मुझे कहीं और लेके जाना चाहता है, वेरी गुड। चलिए प्रेज़ द लॉर्ड, ये अंधकार का अधिकार शैतान का है और परमेश्वर की योजना है कि मैं अपने आप को उसके हवाले कर दूं। कुछ नहीं बोले, वो कुछ नहीं बोले, लोग चिल्लाते रहे, थूकते रहे, कुछ नहीं बोला। हालेलुया, कहीं ऐसा हुआ आज तक कि किसी को बिना कारण सजा हुई हो, किसी ने कोई गुनाह नहीं किया हो? जिसको सजा होती है उसने कुछ ना कुछ गुनाह किया है। हालेलुया, जिसको थोड़ी सी भी सजा होती है उसने कुछ ना कुछ गुनाह किया होता है। लेकिन इस दुनिया में पहला शख्स यीशु मसीह है जिसने कोई गुनाह नहीं किया और उसको सजा मिली है। हालेलुया, शैतान यही गलती कर गया। प्रेज द लॉर्ड, उसने बहुत कोशिश की, उस पर लाचन लगाए, बहुत कोशिश की, उसे उकसाए, लेकिन यीशु मसीह नहीं बोले। फिलिप्पी 2:5-7, क्योंकि उस अधिकार को वो समझ गया था, वो जान गया था कि मुझे इस घड़ी में क्या करना है। प्रेज द लॉर्ड, गस्तवनी के समय में उसने प्रार्थना की कि यीशु अगर तेरी, परमेश्वर अगर तेरी इच्छा हो तो ये पहला मेरे हाथ से हट जाए। परमेश्वर ने कहा नहीं। प्रेज द लॉर्ड, उस अंधकार के अधिकार को, उस अंधकार की उसने जो योजना को, शैतान की योजना को उसने एक्सेप्ट कर लिया। ओके ये परमेश्वर की योजना है। ओके इसलिए देखिए फिलिप्पी 2:5-7, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, इसलिए वो कहता है जैसा यीशु मसीह अपने जीवन को परमेश्वर की दृष्टि से देखता था वैसा ही तुम भी देखो। यस, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वही स्वभाव तुम्हारे अंदर आए। जिस दिन तुम यीशु की तरह परमेश्वर की दृष्टि से अपने आप को देखोगे मेरी बहन, कोई भी चिंता, कोई भी ताकत, कोई भी सताव आपको हिला नहीं सकता है। आगे, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वो लोग पकड़ने के लिए आए, दास का स्वरूप ले लिया उसने, शून्य हो गया। अरे बोल, ये लोग करें तो पापी है, तू अब तुमने अपराध किया है, शून्य हो गया, दास का स्वरूप धारण कर लिया। नहीं, ये परमेश्वर की योजना है, मुझे अपराधियों के साथ गिना जाएगा, ये बाइबल कहती है, ये वचन कहता है, नबी ने कहा है, मुझे अपराधियों के साथ गिना जाएगा। यस, उस वचन को मुझे पूरा करना है, वो शून्य हो गया। प्रेज द लॉर्ड,
अगर परमेश्वर की योजना को परमेश्वर की दृष्टि से हम अपने आप को देखेंगे मेरे भाई मेरी बहन, तो हम विचलित नहीं होंगे, हम वचन के अनुसार चलेंगे। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करेगा। वो यीशु मसीह के जीवन में काम कर रहा था। यीशु मसीह कौन था? परमेश्वर का पुत्र। रेवलेशन 5:4-8 प्रकाशित वाक्य 5:4-8 वो कौन था? लेकिन उसने दास का स्वरूप धारण कर लिया, शून्य हो गया। लोग थूक रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ नहीं। कौन थूक रहा था? जिसको उसने रचा है। प्रेज द लॉर्ड। जो उसकी मजाक उड़ा रहे थे वो कौन थे? परमेश्वर ने उसको रचा था। हालेलुया। वो सब जानता था लेकिन चुप था, कुछ नहीं बोल रहा था, कुछ नहीं बोल रहा था। इसीलिए डाकू बोला, अरे इसने कुछ नहीं किया है, हमने तो किया है लेकिन इसने कुछ नहीं किया है। उसने कुछ नहीं किया था, वो पवित्र था, लेकिन शून्य क्यों बना? क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि से उसने अपने जीवन को धरती पर जिया। परमेश्वर की दृष्टि से वो क्या कहता है? जो परमेश्वर करता है वो मैं वही मैं करता हूं। परमेश्वर जैसा करता है वैसा ही मैं जीवन जीता हूं। जो परमेश्वर को करते देखता हूं वो मैं करता हूं, जो परमेश्वर से पिता से सुनता हूं वही मैं करता हूं। यानी कि मैं कौन हूं? पिता का स्वरूप। जो पिता को करते हुए देखता हूं वो मैं करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। पिता क्यों काम कर रहा था उसके जीवन में? क्योंकि पिता के अनुसार वो चल रहा था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। रेवलेशन 5:4-8 तब मैं फूट फूट कर रोने लगा। यूहन्ना कह रहा है, तब मैं फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। आगे, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का मसीह। एक मिनट, क्या कहा? तब उन प्राचीनों ने जो परमेश्वर के सामने बैठे हुए थे मुकुट पहनकर, यहां पर क्या था? यीशु मसीह मेमना, शून्य था, दास था। प्रेज द लॉर्ड। और यहां पर क्या था? वो यहूदा के गोत्र का सिंह। क्या था वो? सिंह। धरती पर क्या था? एक मेमना, जो परमेश्वर ने कहा। वो क्यों विजयी हुआ? क्योंकि उसने मेमना बनकर जिंदगी बिताई है। हम क्यों हार जाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर वो चरित्र जो मेमने का है वो निकल जाता है। बहुत जल्दी हमें घमंड आ जाता है, बहुत जल्दी हमारे अंदर स्वार्थ आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। वो यीशु जो धरती पर मेमना था वो स्वर्ग में क्या है? सब लोग बोलिए, वो कौन है? सिंह। कौन है वो? सिंह। यहूदा के गोत्र का सिंह, जो दाऊद का, मूल है। उस पुस्तक को खोलने और उसकी सात मोहरों तोड़ने के लिए जयवंत तो हुआ है। आमेन। हालेलुया। वो जयवंत क्यों हुआ? क्योंकि उसने दास के रूप में जिंदगी जी। वो जयवंत क्यों हुआ? क्योंकि उसने परमेश्वर की दृष्टि से अपने आप को देखा। परमेश्वर कहता है, यीशु कहता है कि मैं तुझे अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जो जय प्राप्त करेंगे। हालेलुया। रेवलेशन 3:21 जो जय प्राप्त करेंगे उन्हें मैं अपने सिंहासन, पढ़िए बेटा, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। कब बिठाएंगे? हालेलुया। जो जय पाएंगे उन्हें मैं अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। किनको बिठाऊंगा अपने सिंहासन पर? कौन जय प्राप्त करेगा? जो धरती पर मेरे अनुसार चलेगा, जो धरती पर मेरी दृष्टि से अपने जीवन को देखेगा। यीशु ने जय क्यों प्राप्त की? क्योंकि उसने परमेश्वर की दृष्टि से खुद देखा, इसलिए शून्य बन गया। उसने अपना मान महिमा कुछ नहीं लिया। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि मैंने कुछ किया है, मैं शून्य हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैंने कुछ नहीं किया, आपने विश्वास किया, आशीष पाया,
वो मेमना बन के रहा, उसे कहीं नहीं कहा कि मैंने कुछ किया, मैं कुछ हूं। आज हम दो तीन वचन याद कर लेते हैं, यार दो तीन वचन हमें याद, हम समझते हैं मैं हूं, मैं कुछ बन गया हूं। नहीं, हम कुछ नहीं है भैया। आप जय कब प्राप्त करेंगे, आप कब सिंहासन में बैठेंगे, जब आप यीशु की तरह शून्य बनेंगे, जब आप यीशु की तरह परमेश्वर की दृष्टि से अपने जीवन को देखेंगे, तब आप नापेंगे कि मैं कहां हूं। और ये रोज करना पड़ेगा कि परमेश्वर की दृष्टि से अपने आप को देखिए कि मैं कहां हूं, तब आपको क्षमा मांगने में देरी नहीं लगेगी। आप इमीडिएट क्षमा मांगे, आई एम सॉरी बहन, मुझसे गलती हो गई, क्योंकि आपने परमेश्वर की दृष्टि से देखा, अरे यार हाँ मैंने किसी का दिल दुखाया, नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर की दृष्टि से आपने देखा कि आपने गलत काम किया, किसी को धोखा दिया है, उसी समय आप क्षमा मांगे, नहीं 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 नहीं, क्यों? क्योंकि वही वो जो चरित्र है, वो जो प्रभु है, वो आपके अंदर बोझ पैदा करेगा, तब आप उसकी चाल चलेंगे। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि से अपने आप को देखिए कि जो मैं काम कर रहा हूं वो परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, जो मैं जीवन जी रहा हूं वो परमेश्वर की दृष्टि में क्या मूल्य रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर आपको लगता है मेरे भाई मेरी बहन की परमेश्वर की दृष्टि में वो गलत है, बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल। आपका छोटा सा पाप परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु कभी भी आ सकता है, अंतिम समय चल रहा है, हमें अपने आप को यीशु के योग्य बनाकर चलना है, यीशु के योग्य, तभी हम उसके योग्य काम कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर की दृष्टि से अपने जीवन को देखिए, परमेश्वर की दृष्टि से अपने मन को देखिए, अपने मन को देखिए, अपने कार्यों को देखिए परमेश्वर की दृष्टि से, तब आप पता लगाएंगे, तब आपको एहसास होगा कि आप कहां हैं, आप में क्या कमी है, आप में क्या गलती है। वो जो लड़का था लूका 15:11, अपने पिता से पैसे लेकर भाग गया था, जब उसका पैसा खत्म हो गया, प्रेज द लॉर्ड, उसने क्या कहा कि मैंने परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसकी दृष्टि में पाप किया है? परमेश्वर की दृष्टि में मैंने पाप किया है। कौन सा वचन है वो? लूका 15:11 से पढ़ो। परमेश्वर की दृष्टि में मैंने पाप किया है, इसलिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, पिता से प्रार्थना करूंगा कि मैं तेरी दृष्टि में पाप किया, मुझे माफ कर, तो मुझे मेरा पिता माफ करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अठारवा, 11:18, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध मैं और तेरी दृष्टि में पाप किया है। हालेलुया। यही परमेश्वर चाहता है कि अगर हमसे पाप हुआ है उसे अंगीकार करिए कि मैंने तेरी दृष्टि में पाप किया है, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मैं तेरी दृष्टि में पाप किया है। हमें अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र रखना है कि मैं परमेश्वर की दृष्टि में, हो सकता है हम मनुष्यों की दृष्टि में अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं, लोगों के लिए हम ऊंचा उठते हैं, नहीं, चाहे लोगों के लिए मैं बदनाम हो जाऊं, चाहे लोगों के लिए मेरा स्तर कम हो जाए, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में मेरा स्तर ऊंचा रहे। Amen, Amen. चाहे दुनिया मुझे गलत समझे, लेकिन परमेश्वर मुझे गलत ना समझे।